दोस्तों, एक फिल्म को सक्सेस बनाने के लिए जरूरी होता है कि इट टेक्स अ गुड स्टार्ट, और एक फिल्म को अच्छा स्टार्ट मिले इसके लिए जरूरी होता है उस फिल्म का संगीत पॉपुलर होना। जैसे कि इन रीसेंट टाइम्स गुंडे, उस फिल्म को अगर बेशुमार धुआंधार ओपनिंग मिली, इट वॉज टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द हिट म्यूजिक। तूने मारी एंट्रिया, वो गाना तो बच्चा बच्चा गा रहा था, एवरी यंगस्टर हैड दैट सॉन्ग इन हिज माइंड ऑन हिज लिप्स। और इसलिए हमने सोचा आज गुंडे के म्यूजिक डायरेक्टर सोहेल सेन को बुलाया जाए। तो हियर ही इज, फ्रेंड्स प्लीज वेलकम सोहेल सेन। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू कोमल जी। सोहेल भाई, मुझे ये बताइए, आपने जब म्यूजिक दे रहे थे, स्पेशली ये गाना तूने मारी एंट्रिया, टंग टंग, आपके दिल में दिमाग में ऐसी घंटी बजी थी टंग टंग टंग, इतना बड़ा हिट होगा? एक्चुअली जब भी कोई भी गाना बनाते हैं तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये है कि इट शुड डू जस्टिस टू द स्क्रिप्ट। बट ये था, इट वॉज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट कि कोई ऐसा गाना बने जो बहुत सिंपल हो, लिरिक्स बहुत सिंपल हो, कोई भी एक लेमैन कनेक्ट कर पाए। सो दैट्स हाउ वी केम अप विद अ ट्यून। So we had tang tang tang, but उसके आगे कुछ बन नहीं रहा था। So that's how इरशाद कामिल जी, उन्होंने लिखा कि तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां। तो वो जब सब मिलकर जब आया तो आई स्टिल रिमेंबर मिस्टर आदित्य चोपड़ा जी, ही हर्ड इट एंड ही सेड कि ये गाना इज दी सॉन्ग। तो वो बहुत खुशी होती है एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। एंट्रियां, ये वर्ड कैसे आया? बिकॉज जनरली हम एंट्री की बात करते हैं, एंट्रियां किसका कॉइनेज था? ये डॉक्टर इरशाद कामिल जो राइटर है हमारे, ही केम अप विद अ लाइन के तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां, अंटियां, एंट्रियां, घंटियां, वारंटियां, कॉमेंट्रियां, तो वो जो काफियां वो मिलाते चले गए। इस फिल्म में म्यूजिक को इंटीग्रेट करना मुश्किल था या आसान था? आसान तो खैर कुछ होता नहीं है। when you work with यशराज films and when you have actors like रणवीर सिंह and अर्जुन कपूर and इतना बड़ा कैनवस होता है तो, but ये है कि whenever we decide on a situation कि यार, luckily I was very lucky to have a script like गुंडे because there I could show a versatility कि यार I could do a song like मन कुंतो मौला, which is a कवाली, I can do a cabaret number which is असलाम इश्कुम, then there is full on brotherhood song जश्नेश का, then there is full on मस्ती song तूने मारी एंट्रियां। तो the script demanded it कि यार इस तरीके का म्यूजिक चाहिए था, and अली का म्यूजिक सेंस बहुत अच्छा है, and तो he was the one who chose the songs like जिया या तूने मारी एंट्रियां। तो उसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहता है, which I feel। और आप और इरशाद कामिल साहब जो फिल्म के लिरिसिस्ट हैं, आप लोग साथ में बैठ के गाने बनाते थे या उनके लिरिक्स आते थे जिस पर आप ट्यून बनाते थे? नहीं, वी क्रैक्ड द ट्यून फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू लिरिक्स। अच्छा। एंड इस पूरे म्यूजिक प्रोसेस में सबसे अच्छी बात ये थी, जैसे वी हैव इंट्रोड्यूस सिंगर्स लाइक शादा फरीदी, अल्तमश फरीदी एंड जिसने जश्नेश का गाया है, देन वी हैव नीति मोहन एंड शाहिद मालिया, तो ये जितने सिंगर्स थे ये सब साथ में बैठकर वी यूज टू जैम एंड वी यूज टू डू द सॉन्ग्स। चाहे लिरिक्स आ रहे हैं फ्रॉम इरशाद भाई तो उसे एक बार डबिंग में गा दिया जाए, तो ये जो होल प्रोसेस ऑफ म्यूजिक मेकिंग वो इतना इंटरेस्टिंग था कि बाय द टाइम जब ये सब सिंगर्स जब फाइनल डब के लिए गए, सो आई थिंक दे डिड अ फिनोमिनल जॉब। एंड अली जफर साहब जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर है, इससे पहले उनकी फिल्म थी मेरे ब्रदर की दुल्हन जो उनके करियर की पहली फिल्म थी बतौर डायरेक्टर, उसमें भी आपका म्यूजिक था। तो यहां पर इस इंडस्ट्री में ये जरूरी है कि म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का एक रैपो बन जाए जिससे काम मिलता रहे, या हाउ डज इट वर्क इन दिस इंडस्ट्री? आई थिंक जो ट्यूनिंग है ऑफ म्यूजिक कंपोजर एंड डायरेक्टर की सही बैठनी बहुत जरूरी है, क्योंकि द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप एट द एंड ऑफ द डे, और वो ही बेस्ट निकाल सकता है आपका। और मुझे लगता है कि जो मैंने पहले मूवी की थी मेरे ब्रदर की दुल्हन, उस वक्त उतना कंफर्ट लेवल नहीं था, बट गुंडे में अभी तो ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड जो डायरेक्टर है, तो एक कंफर्ट लेवल था एंड मुझे कुछ पसंद नहीं आता स्क्रिप्ट में, मैं स्ट्रेट अवे सेड कि यार ये मजा नहीं आ रहा, व्हाट आर यू डूइंग। उसे कोई गाना पसंद नहीं आता तो वो बताता है, तो देयर इज अ वेरी हेल्दी अप्रोच टुवर्ड्स म्यूजिक, और जब वो एक कंफर्ट लेवल हो जाता है सो देन यू गेट अ प्रोडक्ट लाइक गुंडे। सोहेल भाई, ये मुझे बताइए कि मेरे ब्रदर की दुल्हन का संगीत जो हुआ इतना पॉपुलर हुआ, उसके बाद ऐसे कैसे कि आपका नाम दूसरी फिल्मों के टाइटल क्रेडिट टाइटल्स को अडॉन नहीं कर रहा था? सी आई डिड गॉट लॉट ऑफ ऑफर्स इवन दैट टाइम,
बट क्या होता है कि ये एक लड़ाई मेरी खुद से अपने आप से है कि दैट आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ अ मूवी विच इज अ विच आई शुड बी द सोल कंपोजर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दैट देर आर मल्टीपल कंपोजर्स एंड बट आजकल तो सारे कंपोजर्स बड़े से बड़े कंपोजर्स भी एग्री करते हैं एंड एग्री नहीं करते तो चुपके से एक गाना ऐड किया जाता है यू नो. तो फिर व्हाई आर यू टेकिंग सच अ टफ स्टैंड. इसलिए कम काम मिला मुझे. बट इससे इस बात से आपको डर नहीं लगता है कि ये आई एम लूजिंग आउट ऑन वर्क? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू डूइंग गुड वर्क. But you can do good work along with other music composers also. No, but फिर उसमें क्या है कि the credibility goes for a toss. If फिर कई बार ऐसा होता है कि यार this specific composer can do only a romantic number. या फिर ऐसा हो सकता है कि यार ये खाली एक आइटम गाना कर सकता है. तो उससे कंपोजर का की जो एक versatility है वो स्टेक पे रहती है कि नहीं, कि वो फिर डिफाइन होता है कि he can only do a romantic number or an item number. So that's why when I did Gunde, so I wanted to show my versatility ke I could do a song like Tune Mari Entry or Assalam Ishkum. To say ek pura aapko it's a kind of showreel for a composer. Can I can do any kind of genre. Aapke dad bhi isi industry mein hai, Sameer Sen, he's a music director, aur unke chacha Dilip Sen, wo bhi unki actually jodi hai, chacha bhatija ki jodi, Dilip Sen Sameer Sen. So did that help? Mere jo great grandfather hai Jamal Sen, unhone movie ki thi Daira, Shokhiya, Kamal Amruhi ji ke sath, then my grandfather Shambhu Sen, he did Mrig Trishna movie ki thi unhone, then my dad. To wo pressure tha ki that who's going to carry forward the legacy. किसी ना किसी को तो बनना है. एंड म्यूजिक की तालीम बहुत अर्ली एज से शुरू हो गई थी. और आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज व्हाट 7 or 8 इयर्स. तो आई लर्न्ड तबला, देन आई लर्न्ड पियानो, डिड ऑल माय ग्रेड्स. एंड व्हेन आई वाज 13 आई डिड माय फर्स्ट टेलीफिल्म व्हिच वाज कॉल्ड रोशनी. आई गेव म्यूजिक फॉर दैट. कविता कृष्णमूर्ति 13 साल के थे जी, मैं 13 साल का. तो इट वाज अ टेलीफिल्म, कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया था वो गाना. एंड आई स्टिल रिमेम्बर आई टुक अ हाफ डे फ्रॉम स्कूल एंड आई केम एंड आई वाज इन माय स्कूल शॉर्ट्स एंड मैं उनको गाना याद करा रहा हूँ. एंड शी वाज सो हम्बल एंड सो डाउन टू अर्थ कि मैं बोला हाँ सुहेल जी आप बताइए कैसे करना है. मैं बोला आंटी डोंट कॉल मी सुहेल जी. तो 13 साल के बच्चे को सुहेल जी. सो फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं आई कैन डू कंपोजिंग. एंड वो एक एक्साइटमेंट थी कि व्हेन यू गो इन द स्टूडियो एंड वर्क, क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब को देखा था कि जब वो स्टूडियो में जाते थे वो जो टाइम था. अभी वो वैसा टाइम नहीं है, अभी इट्स मोर टेक्निकल. तो मैंने फिर तालीम शुरू की ऑफ कंपोजिंग. आई असिस्टेड माई अंकल ललित सेन एंड फॉर ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स आई डिड लॉट ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स के जो बैकग्राउंड स्कोर्स हैं, टेलीसीरियल्स के. जी कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, कुसुम, मतलब एवरी. तो उन सब के बैकग्राउंड्स को किए. देन बालिका वधू वाज आल्सो देयर दैट टाइम, वो किया. देन आई वाज 22 or 23 आई डिड वॉच राशि विद मिस्टर आशुतोष गावरकर. उसमें भी आपको बड़ा अच्छा स्कोप मिला बिकॉज बहुत अलग अलग किस्म के गाने थे जो पॉपुलर भी हुए थे लेकिन अफसोस फिल्म नहीं चली. तो उससे आपके करियर को एक सेटबैक सा मिला? सेटबैक तो नहीं मिला बट आई थिंक दैट वॉज अज टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर. बिकॉज लॉट ऑफ क्रिटिक्स उन्होंने प्रेज किया म्यूजिक को. एंड इनफैक्ट सिर्फ म्यूजिक को ही प्रेज किया उस फिल्म में. नहीं, आई थिंक इट्स इन टोटैलिटी. अगर गाने उतने अच्छे से पिक्चराइज नहीं होते और म्यूजिक, हाँ, एंड म्यूजिक इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द मूवी. फिर देन उसके बाद आई मेट आई डिड खेले हम जी जान से जो मिस्टर आशुतोष सर की थी. वो आई वॉज रिकॉर्डिंग इन यशराज स्टूडियो. सो देर आई मेट आदि सर. सो दैट्स हाउ आई गॉट मेरे ब्रदर की दुल्हन एंड देन एक था टाइगर एंड देन गुंडे. तो क्या ये कहना सच है कि इस इंडस्ट्री में टैलेंट तो है अपनी जगह पर बट टैलेंट के साथ साथ एक लक फैक्टर होना चाहिए? जैसे आपने कहा कि मैं यशराज स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग कर रहा था, वहां मुलाकात हुई एंड इट टुक ऑफ दैट. सो इज इट नेसेसरी टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम? या आपका टैलेंट अगर है तो कहीं से भी लोग आपको ढूंढ निकालेंगे एंड आपके हिस्से काम आ जाएगा? सी व्हेन आई मेट आदि सर दैट टाइम ही टोल्ड मी कि सी आई डोंट हैव टाइम, आई कैन सिट एंड डू अ म्यूजिक सिटिंग बट यू सेंड मी द स्क्रैचेस. तो मैंने उस दिन से फॉर अ मंथ आई एवरी वीक आई टू सेंड हिम 9 to 10 सॉन्ग्स एंड वो उसमें से सिलेक्ट करते थे. कई बार ऐसा भी होता था कि मैंने 10 गाने भेजे उसमें से एक भी सिलेक्ट नहीं किया है. सो ही यूज टू मैसेज मी कि यार ये आईडी गाना अच्छा है, यू कीप इट, मतलब सेपरेट रखो उस गाने को. सो वो करते 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 आए सेंट हिम अराउंड 100 सॉन्ग्स. फिर उसमें से ही शॉर्ट लिस्टेड 30 सॉन्ग्स. फिर उसकी एक मैंने सीडी बनाई एंड दैट सीडी ही गेव इट टू अली अबा जफर. व्हाट फ्यूचर हैज इन स्टोर फॉर यू नोबडी नोज इट. एंड हो सकता था कि अगर वहां नहीं तो कहीं और
कहीं और, नहीं तो कहीं और, तो ऐसा कोई इट्स हार्ड फॉर, डिफिकल्ट, या इट्स हाँ डिफिकल्ट इट्स डिफिकल्ट टू टू, हाँ तो वो एक मुझे लगता है कि मेरे जो दादाजी का मंत्र है, बेटा काम करते जाओ, आपके काम से आपको काम मिलेगा, सो दैट, तो वो आई एम फॉलोइंग नाउ. ये कहना ठीक होगा कि पहले इंडस्ट्री एक बहुत क्लोज्ड जगह थी, बिल्कुल अब दरवाजे इंडस्ट्री ने खोल दिए हैं बिल्कुल फॉर न्यूअर टैलेंट टू कम इन। बिल्कुल, बिलीव मी देर आर सो मैनी सिंगर्स कमिंग इन एवरी डे. और कैसे सडनली इतने सिंगर्स कैसे पैदा मुझे हो पता नहीं कहां से हो रहे हैं, गए? बट आई मेक श्योर कि आई मीट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, वेदर अच्छा, इट्स लिरिक्स राइटर और सिंगर्स, तो मैं सबसे मिलता हूँ. दैट्स अ वेरी नाइस क्वालिटी। देर इज अ डे सैटरडे और संडे कि वे आई डोंट डू एनी वर्क, आई जस्ट मीट एवरीबडी. बट ये तो बहुत अच्छी बात है ना। बिल्कुल, एंड उसी वजह से आई गॉट टू नो शादा फरीदी हु सैंग जश्न इश्का फॉर गुंडे. तो ऐसे जब कोई अच्छे आपको सिंगर्स मिलते हैं तो आपकी जहन में आता है, नहीं यार ये गाना कोई मंझावा सिंगर तो गा सकता है, बट अ न्यू कमर कैन ऑल्सो डिलीवर. तो फिर कई बार वैसे होता है, फिर कुछ अच्छे राइटर्स मिल जाते हैं आपको, कुछ अच्छी लाइनें मिल जाती हैं, तो आप जितने लोगों से मिलेंगे तो आई थिंक वो आपकी पॉजिटिविटी और बढ़ती है, एंड इट हेल्प्स टूवर्ड्स योर वर्क. एंड नॉट इफ ओनली सिंगर्स, बट देर आर सो मेनी कंपोजर्स. पहले जमाने में देर फाइव और सिक्स मेजर कंपोजर्स एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली, करते थे, हाँ, सेम थिंग फॉर एंड लिरिसिस्ट, या सॉन्ग एंड मीडिया राइटर्स। वाजंट इतना बड़ा नहीं था. और आज मीडिया है, एवरीबडी इज हैविंग एन आईपॉड, यू कैन कनेक्ट एंड लिसन टू म्यूजिक, देर आर सो मेनी रेडियो चैनल्स, तो इतना म्यूजिक हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सिंगर्स की भी का जो आवाम है वो भी बढ़ेगा, एंड कंपोजर्स भी इतने हो रहे हैं. तो इस वक्त इज द टफेस्ट टाइम, बिकॉज इतना कॉम्पिटिशन है, और इतने कॉम्पिटिशन में अगर जो ऑडियंस है आपके गाने को पसंद करती है, तो वो आई थिंक इज अ विन विन सिचुएशन. सिंगर्स की खामियां, जो जी कमियां होती है वो बिकॉज ऑफ हैवी ऑर्केस्ट्रेशन, बिकॉज ऑफ डिफरेंट साउंड्स, लेवल साउंड का ऊपर करके वो छुपाई जा सकती है। पहले के जमाने में ये नहीं होता था, बिल्कुल एंड देयरफॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अ सॉन्ग बाय अ सिंगर हैज बिकम इजी। पहले मुझे याद है कि पहले सिंगर्स दिन भर, मतलब पूरे दिन में एक गाना गाते थे, मतलब घंटों तक पहले प्रैक्टिस करते थे, जी उसके बाद टेक होते थे, एंड टेक्स के बाद टेक्स के बाद टेक्स। आजकल ऐसा नहीं सुनने को मिलता सी है, दैट्स आजकल व्हाट आई आए टोल्ड, एंड 1 घंटे 1.5 घंटे में रिकॉर्डिंग हो गई। नहीं बट दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर, जब गुंडे हम कर रहे थे तो हमने वही फॉर्मूला अपनाया था जो कि पुराने जमाने का था। हाँ कि सिंगर्स वर देयर फॉर अ मंथ और टू, के जब फाइनल लिरिक्स हो रहे हैं कुछ भी हो, तो दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एटलीस्ट 20 to 25 times बाय द टाइम जब तक वो माइक पे ना गए हो. एंड और पुराने जमाने का टेक्निकलिटी ये थी कि एवरीथिंग वाज लाइव, चाहे वो सोलो वायलिन हो, चाहे वो रिदम हो, चाहे ढोलक तबला हो, चाहे सितार हो, एवरीथिंग वाज लाइव एंड एवरीथिंग वाज मैन्युअली ट्यून्ड. तो उसमें जो बैंडविड्थ था सुर का, तो वो थोड़ा सा बैंडविड्थ वाज अ लिटिल ब्रॉडर. एंड अभी क्या हो गया, एवरीथिंग इज सो कंप्यूटराइज कि एवरीथिंग इज वेरी पिच परफेक्ट. और उसमें जब कोई सिंगर गाता है और हल्का सा भी अगर बेसुरा होता है तो वो पता चलता है. तो उस चीज को छुपाने के लिए भी यूज टेक्नोलॉजीज जो थोड़े से पिच को करेक्ट कर दें, बट आई थिंक अल्टीमेटली जो आपका फील है वो तो आप नहीं ला सकते हैं. करेक्ट, कितना भी करेक्शन कर लो जी तो बिल्कुल बेसिक्स आपके सही होने चाहिए, एब्सोल्युटली थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता चल है। सकता है. दैट्स वेरी राइट। अब जब गुंडे भी चल गई है, यू गॉट मोर ऑफर्स और इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट मोर आई ऑफर्स? डिड गॉट कॉल्स फ्रॉम लाइक मेजर डायरेक्टर्स एंड ऑल, बट वहां वही है कि दैट एक तूने मारी एंट्री है जैसा गाना देता आप, भेड़ चाल जिसे हम कहते हैं। बट मुझे बहुत बुरा लगा उनको ना बोलने के लिए. आई टोल्ड देम कि अंकल आई डोंट वर्क विद मल्टीपल कंपोजर्स, मैं आई वर्क एज अ सोलो कंपोजर, क्योंकि वो मुझे सेटिस्फाई करता है वो चीज. एंड फॉर अ क्रिएटिव पर्सन लाइक अस, चाहे कोई भी कंपोजर से आप पूछे, अगर आपको क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, सो आई थिंक आप फिर देन यू कैन मेक सॉन्ग्स. तो मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट फिनिश्ड वर्किंग ऑन गन्स ऑफ बनारस, विच इज अ साउथ रीमेक, शेखर सूरी डायरेक्टर है, एंड इट्स अ रीलॉन्च ऑफ करण नाथ जो एक्टर है, तो वो है. देन आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ सीक्वल टू चलो दिल्ली, विच इज अ चलो चाइना, अच्छा, तो विनय पाठक एंड लारा दत्ता हैं हाँ उसमें, हाँ तो वेरी
इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट एंड मैंने उस तरीके का कुछ काम नहीं किया है। लोगों को लगता है बड़े बैनर्जी करता है एंड ही वर्क्स विद स्टार्स एंड ऐसा कुछ नहीं है। यू आर ओपन टू एनी एनीथिंग। हाँ, जो काम देगा एंड व्हेन आई फील कि आई कुड डू जस्टिस टू आई टेक अप दोस प्रोजेक्ट्स। आपने टेलीविजन में भी काम किया है, फिल्मों में भी काम किया है, विच इज मोर पेइंग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स पुट एंड द मनी यू गेट? हैंड्स डाउन टीवी सीरियल्स। हाँ हाँ, बिकॉज मैंने ऐसा टाइम देखा है कि लाइक इट्स 12 इन द मॉर्निंग, 12 एट नून, और आपने गाना बनाया या आपने कुछ बैकग्राउंड्स को बनाया एंड रात को टेलीकास्ट हो रहा है। सो इट्स सो क्विक। या मुझे अभी भी याद है, आई वाज डूइंग दिस सीरियल कॉल्ड बालिका वधू। तो उसमें दे वांटेड एन अलाप, दो म्यूजिक वॉज बाय माई अंकल ललित सेन। तो काफी लोगों को पता नहीं है कि उसमें दैट अलाप sung by me. और तो गाने का शौक तब से शुरू हो गया था। This must have been many years ago. Yeah. And वो back to back serials चलते उस वक्त। अभी तो क्या हो गया कि वीक में एक या दो बार आता है। उस वक्त एवरी डे there used to be a new episode. और उस वक्त क्या होता था कि that यार हमें पांच रोमांटिक थीम्स बना के दे दीजिए, पांच ड्रामा थीम बना दीजिए, बट आप अगर आप पांच रोमांटिक थीम अगर एक साथ बना रहे हैं तो एवरी थीम हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर। सो आई थिंक दैट वाज माय चैलेंज एंड ग्रूमिंग प्रोसेस आई वुड से, कि अगर आज अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ा तो आई कैन रीड एंड आई कैन कंपोज, तो वो एक जो हैबिट बन गई है। तो टेली सीरियल्स ने ये एक बहुत अच्छी चीज सिखाई कि प्रेशर में How to deliver. And you're saying कि टेलीविजन में पैसा भी ज्यादा है because you're delivering so much. But ये है कि आप पांच सीरियल करो और आप एक मूवी करो, it's one and the same thing money wise. मतलब एक पिक्चर में जो पैसा मिलता है वो आप पांच सीरियल्स में कमाते जी, बिल्कुल। ओके, सो वन मूवी पेज यू इक्वल टू अबाउट फोर ऑफ फाइव सीरियल्स। क्या बात है। मैं आपके ऑफिस गया था कुछ समय पहले, यू हैड रेंट आउट द ऑफिस, लेट आउट द ऑफिस टू समबडी एल्स, एक प्रोडक्शन ऑफिस था। वहां पर पैसेज वे में इतनी बड़ी बड़ी आपकी तस्वीरें देखी। अब ऐसे ऐसे पोजेस में मेरे ख्याल से वही इंसान खिंचवाता है जिन्हें या जिसे एक्टिंग का शौक हो। कहीं आपने सोचा था कि एक्टर बन जाए? मैंने तो कभी नहीं सोचा, बट मेरे जो वालिद साहब हैं, डैड को बड़ा शौक था कि यार इसको हीरो बनाऊंगा। तो मतलब मैंने फोटोज देखकर सही समझा ना? एंड आई थिंक वो जो फोटोग्राफ आपने देखी, आई वाज व्हाट 16 और 17 यस एट दैट टाइम। तो फिर हाउ यू डिड नॉट गेट इनटू एक्टिंग? सो आई थिंक आई वाज डेस्टाइंड टू बी अ कंपोजर। मगर कोशिश की या कोशिश ही नहीं की? कोशिश की, बट मैंने बोला यार ये होने नहीं वाला है, एंड इट्स बेटर टू बी अ कंपोजर। एंड आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माय म्यूजिक थिंग, तो फिर देन देयर वाज नेवर लुकिंग बैक। दैट्स वेरी नाइस। एंड जाने से पहले आपने जो गाना गाया है गुंडे में, उसकी कुछ लाइनें हो जाए। कोयले की खानों से हम निकले, दीवानों से हम, ये रब अपना है, हम हैं रब के बंदे, गुंडे गुंडे गुंडे, हम हैं गुंडे 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 गुंडे। वेरी नाइस। सोहेल भाई, आप इसी तरह चमकते रहे, इसी तरह लोगों को एंटरटेन करते रहे और इसी तरह इंश्योर करते रहे कि हमारी फिल्मों को ऐसी धुआंदार ओपनिंग मिले। इसी दुआ के साथ हम आपको जाने देंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे सोहेल सेन। इनकी फिल्म गुंडे अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है, इट्स डूइंग ग्रेट बिजनेस। और जैसा मैंने पहले भी कहा, वन बिग रीजन फॉर द ग्रैंड स्टार्ट इट टुक वॉज ऑफकोर्स सोहेल सेन्स म्यूजिक। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में। इन द मीन टाइम, आपके कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट बॉलीवुड बिजनेस एट जी नेटवर्क डॉट कॉम। And if you have any questions relating to the world of cinema, तो उठाइए अपना mobile phone, type कीजिए BBiz, space छोड़िए, type कीजिए अपना पूरा सवाल, space छोड़कर अपना नाम type करके भेजिए 57575 पर। You can follow us on Twitter @ETC Bollywood. This is Komal Nahata, bidding you goodbye.